नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 38 इयर्स है और इनके पाम में दो एक ऐसी साइन है जो वो वीडियो के अंत में मैं दिखाऊंगा, उसके कारण व्यक्ति अति संपन्न बनता है और बहुत सारी चीज़ें इनको प्राप्त होती है जीवन में। जन्म लेते ही परिवार काफ़ी उन्नत बनता है और ये जीवन भर साथ देता है, और ये जो भी जानकारी दे रहे हो इनसे मैंने कन्फर्म की है वो साइन देखने के बाद। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी सी साइन बन रही है। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। इस पाम को देखें तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। जब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है तो व्यक्ति ज़्यादा संपन्न बनता है। ये पाम रेक्टेंगल शेप है और साथ में स्क्वायरिश भी है, तो व्यक्ति बैठे बैठे बोलकर कार्य करता है और साथ में मेहनती भी उतना होता है। अंगूठा भी काफ़ी स्ट्रांग है, फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है, तो अपने कार्य के प्रति काफ़ी जिद्द लगाकर काम करने वाले व्यक्तित्व होंगे इनका। सेकंड फैलेंज काफ़ी बढ़िया है, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक के साथ बात की, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लॉजिक के साथ बात नहीं की, इस तरह की मानसिकता होती है, पर लॉजिक ऑलवेज इनके दिमाग में रहता है, ये प्लस पॉइंट है। और अंगूठा काफ़ी बड़ा है तो व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, पर कहीं ना कहीं अंगूठे के मुकाबले में थोड़ा सा पैडिंग कम है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति का होता है। उंगलियाँ छोटी है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है व्यक्ति के जीवन में। सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव भी सो होता है। अब मैं यहाँ पर ये डायलॉग नहीं मार सकता कि जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क ले, क्योंकि ये काफ़ी लकी साइन लेकर पैदा हुए, पर हिम्मती स्वभाव जरूर ये उंगली देती है। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच गई है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत देखे तो काफ़ी अच्छा उभार है। इस तरह का बुध पर्वत अगर उभार हो तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है। पहली चीज, जैसा व्यक्ति सामने दिखा वैसी बातें करेगा, क्लियर कट। एक ये खासियत होती है, सुंदरता देता है बुध पर्वत, वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है, यानी जो बोली होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और कॉमर्स और आर्ट्स का स्टूडेंट भी रहा तो बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा रहता है। सूर्य पर्वत पर देखे तो एक दो छोटी छोटी रेखाएं, तो स्ट्रांग रेखाएं नहीं है, तो व्यक्ति बेसिक सफलता जीवन में इजीली प्राप्त करता है। और यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो व्यक्ति जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी का लाभ भी प्राप्त होता है। सेम यहाँ पर देखे तो एक हल्की सी विद्या रेखा है, इसके कारण बेसिक नॉलेज व्यक्ति ज़्यादा रखता है और लोग इनको बचपन से पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पूछ पूछ कर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक अर्ध शुक्र वलय बना हुआ है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, पर साथ में पैसा भी देता है। सुबह अलग मूड होगा, शाम को अलग, रात को अलग, इस तरह का प्रॉब्लम जरूर देता है ये अर्ध शुक्र वलय। हाँ, बारीक रेखा वाला हाथ है, हो सकता है इंक लगाने के बाद ये पूरा भी दिखे, और ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, पर ये केवल संपन्न बनता है, इनके हाथ में स्पेशल साइन है जिसमें अति संपन्न बनता है। अब इनके साथ मेरा डिस्कशन भी हुआ, वो इनका विदेश से संबंध है कि नहीं, इन्होंने अभी तक कहा अभी तक संबंध नहीं है, पर ये जो फेट लाइन है उसकी दिशा कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो कभी ना कभी विदेश से संबंध आएगा। सेकंड चीज, इनकी जीवन रेखा से भी जा रही है, हो सकता है इनका जाना आना विदेश में घूमना ज़्यादा हो, और बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं संबंध तो दिखाएगी। और शनि पर्वत पर कंटिन्यू चलने वाली रेखा है
पर है बारीक रेखाएं, ऐसे लोगों को सुबह से लेकर रात तक बिजी रहना पड़ता है। जब आपकी फिट लाइन पतली हो, पैसा तो देती है पर सुबह से लेकर रात तक आप बिजी रहते हो, फ्री नहीं हो पाते, ये एक माइनस पॉइंट रहता है इस तरह की धागे जैसी रेखाओं के कारण। पर कंटिन्यू रेखाएं बनी और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते रहेंगे। अब इतना अच्छा हाथ होकर, जैसे एक मूवी में होता है कि सारा कुछ खुशी खुशी चल रहा है और अचानक कोई गड़बड़ होती है, वैसे ही इस हाथ में सब कुछ अच्छा है, केवल जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है। ये जब इस तरह का डिस्टर्ब माउंट होता है तो पारिवारिक और सांसारिक प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट होते हैं। सब कुछ अच्छा है, पैसा अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, सब कुछ है, पर जब जुपिटर माउंट आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपको पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा और बहुत सारी रेखाएं बारीक बारीक चल रही है, इनके क्लोजअप का ही हम यूज लेते बाद में। ये मल्टीपल इनकम 4-5 लाभ दिखाती है। एक तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम होती है, व्यक्ति धार्मिक होता है, तीसरा सेवाभावी होता है, केवल पैसा नहीं कमाना जानता, कहीं ना कहीं सेवा का भाव उसके मन में होता है। तो इतने सारे एडवांटेज व्यक्ति को इन रेखाओं के द्वारा मिलता है। और चौथा एडवांटेज होता है पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो साइंस है उनके प्रति इंटरेस्ट जगता है। बाकी गुरु पर्वत केवल इफेक्टेड है बड़ा पर इफेक्टेड है, यहां पर ये प्रॉब्लम देता है। अंदरूनी मंगल काफी अच्छा है, शरीर की एनर्जी एक सैनिक की तरह या एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है, और जिस तरह का ये अंदरूनी मंगल है 100% कोई ना कोई खेलकूद के ये जानकार होंगे, कोई खेल बहुत अच्छा खेलते होंगे, ये उस तरह का अंदरूनी मंगल है। बाहरी मंगल भी अच्छा है और कोई उस पर कमी नहीं है, ना कोई आड़ी लाइन है ना कुछ है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब बाहरी मंगल आपका अच्छा होता है तो व्यक्ति साहसी होता है, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में कोई बहुत बड़े संकट है नहीं, हाँ वर्तमान समय में एक चल रहा होगा, उसको छोड़कर कोई मेजर संकट इनके हाथ में दिख नहीं रहा है। और जब व्यक्ति किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, ये सारा एडवांटेज इनको प्राप्त होता है। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है और सेकंड यहाँ पर एक स्टार भी बन रहा है, पर ये स्टार थोड़ा सा हटकर है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, फिर भी कहीं ना कहीं है, तो ये अचानक धन लाभ की ओर इशारा देता है क्योंकि राहु क्षेत्र में आ गया। अचानक कई बार ऐसे लोगों को धन लाभ होता है और बड़े बड़े धन लाभ होते हैं जब ये स्टार होता है तो। और चंद्र पर्वत अच्छा है, साथ में जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाएं भी है, ये व्यक्ति को कभी ना कभी विदेश से संबंध लाएगी जरूर। व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, ये जब पैसा कमाते तो इनके घर के फर्नीचर, ऑफिस के फर्नीचर देखने लायक होते और वैल्यू फॉर मनी परचेस करते ये लोग, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और एक बुध रेखा चल रही है यहाँ तक और एक सेकंड और साथ में बनने वाला ये मनी ट्रायंगल भी बना है, यहाँ पर ओपन नहीं है, ये क्लियर पैक है। जब इस तरह का मनी ट्रायंगल हो, इनके हाथ में ऐसी साइन है, ये न भी हो मनी ट्रायंगल तो भी इनको फर्क ना पड़े, इतना अच्छा हाथ है। आपको देखकर ही लग रहा होगा, जो एनालिसिस कर रहा हो उससे पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत कम रुकावट है। तो इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति को इनकम के स्रोत क्रिएट करवाता है और अच्छा खासा व्यक्ति बुढ़ापे तक संपत्ति जमा कर लेता है।
शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा शुक्र पर्वत है, और साथ में गुरु पर्वत बुरा जरूर है, यहां से उभार है, उसको छोड़कर कोई कमी नहीं है। तो दोनों मिलकर धन के मामले में तो इनको काफी रिलैक्स दे रहे, और जिनका शुक्र अच्छा होता है वो कपड़े अच्छे पहनते हैं, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, पैसा भी खूब कमाते हैं और पैसा खर्च भी खूब करते हैं। प्लस शुक्र जिसका अच्छा होता है, एक शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी पाई जाती है, तो ये सारा लाभ इनको मिल रहा है। प्लस ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो एक व्यवस्थित लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं वो इनको प्राप्त होती है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें, थोड़ा सा क्लोजअप का हम सहारा ले लेते रेखाओं के लिए। इनकी रेखा पूरी गुरु पर्वत से शुरू होकर इस तरह चल रही है और यहाँ पर फ्लर्ट लाइन भी बनी है। फ्लर्ट लाइन जब होती है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर के लिए दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है, और जब आपकी रेखा कौर लेती है तो सबसे पहली चीज तो प्यार का प्रदर्शन करते हैं ये लोग जवानी में। सेकंड, ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी क्या होती है इनको पता ही नहीं होता। आसपास के लोग हो, साथ में काम करने वाले लोग हो, यार दोस्तों, सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, और भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते, थोड़े से भावुक होते, पर स्वभाव इनका सबसे उत्तम रहता है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सिस्टम में चलने वाले जरूर होते, पर बहुत अच्छे स्वभाव के होते, और इनकी हृदय रेखा भी काफ़ी उत्तम है, तो जीवन काफ़ी उत्तम ऐसे लोग जीते। माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट गुरु पर्वत के पास से शुरू होकर थोड़ी सी बैंड हो रही है। गुरु पर्वत से शुरू हुई तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, और चंद्र पर्वत पर जाती है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति धार्मिक होते जाता है। एक समय इनको कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है, इस तरह का एहसास भी होता है। पर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, बाहर वालों के लिए उत्तम, पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनके जीवन में रहता है। एक साइन ऐसी है जो इनसे मैंने कंफर्म भी करने की कोशिश की, ये माइंड लाइन, और इस पर चलने वाला ये ऑफशूट, ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के हाथ में पाया जाता है जो लेखक होते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे पढ़ना पसंद है पर अभी तक लिखावट कभी की नहीं है, पर ये इस तरह की साइन कभी ना कभी ऐसे लोगों की बुक छपवाती है, यानी इनके नाम की बुक छपती है, लेखक बन सकते हैं ये लोग। तो ये एक साइन इनके हाथ में है। जीवन रेखा पर देखें तो कंप्लीट यहां तक साथ में चली, और ये घुमाव लेकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। जो मैंने विदेश की बात की, तो हो ना हो ऐसे लोग विदेश में भी सेटल होना चाहे, क्योंकि थोड़ी सी चंद्र के पास जा रही है इनकी जीवन रेखा, ये सेट हो सकते हैं अगर कोशिश करें तो, अगर इनकी इच्छा हो। पर ये इतने लकी साइन वाले हैं कि इनके यहाँ पर भी साम्राज्य बड़ा होता है, इस लेवल का साम्राज्य होता है कि बाहर व्यक्ति निकल नहीं पाता। और एक रेखा यहाँ से चलकर ऐसे बढ़ रही है, तो ये एक एडिक्शन लाइन है, व्यक्ति को थोड़ा सा खालीपन देती है। एक दो घंटा काम करता है व्यक्ति और उसके बाद उसको खालीपन का एहसास होता है, दिमाग के अंदर एक वैक्यूम आता है, उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई कामुकता का सहारा लेता है, कोई दवाई का, कोई चाय कॉफ़ी, कोई सिगरेट, कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति अपने जीवन में लगाता है, कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि व्यक्ति कोई एक ही, बहुत सारे व्यसन है, पर उसको खालीपन तो लगेगा ही, एक दो घंटा एनर्जी लगाई जीवन में, वैसे इनको खालीपन का एहसास होता है। तो ये एक लाइन है इनके हाथ में,
अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो यहां पर केवल एक राहु रेखा इनको यहां पर कट कर रही है बस, और इसी पीरियड में एक कट यहां पर भी है, यानी यहां पर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको जीवन में गया होगा, और ये वर्तमान समय में या तो गया होगा या इनको जाने वाला है, क्योंकि दोनों कट एक साथ है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान और रुकावट इनके जीवन में वर्तमान समय में दिख रही है। अगर चल रही होगी तो ठीक है, नहीं तो आने वाली है ये रुकावट। और उसके बाद देखिए एक दो, और यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हो सकती है, ये 10 साल के बाद, यानी 38 और 48 के आसपास कोई नियर एंड डियर की डेथ भी इनके जीवन में होगी, और ये पूरी ऑफशूट वाला पाम है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, ये सारे ऑफशूट इनको जीवन में सफलता दिलाएंगे। कंटिन्यू हर 4, 5, 6 साल में एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई प्रोग्रेस इनके जीवन में होती रहेगी, और पूरे एंड में आई थिंक 62 के आसपास इनके जीवन में एक राहु रेखा और काट रही है हल्के पैमाने पर। तो पूरे पाम में केवल 2 राहु रेखाएं है, इससे लकी हाथ और कौन सा हो सकता है कि जीवन में रुकावटें इतनी कम। और बाकी की जीवन रेखा काफी उत्तम है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इनकी फेट लाइन पर भी देखें तो एक कट लगभग 25-26 के आसपास था, एक कट उम्र 38 या 39 के आसपास है। यहाँ पर इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाने वाला, या तो गया होगा या जाने की राह में। एक कट यहाँ पर है, ये उम्र होगी लगभग 42, पर ये सारे लाइट कट है, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये कट थोड़ा सा बड़ा है जो 38-39 के आसपास का, और ये 43 के आसपास एक कट है, उसके बाद एक कट 45 के आसपास है, उसके बाद कट के लिए वापस इनके रेगुलर फोटो पर जाते हैं, उसमें एक कट ये 38-39 के आसपास है, एक 43 के आसपास है, 42-43 के आसपास, एक 44 के आसपास है, और एक हल्का सा कट 53 के आसपास है, और एक 62 के आसपास है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये कट के बाद इनके जीवन में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा। तो ये इस तरह से है। अब इनकी लकी साइन शो करते हैं हम, यहां पर बहुत बड़ा ट्रायंगल है इनके हाथ में। जब जुपिटर पर ट्रायंगल होता है तो पॉलिटिकल बेनिफिट और सरकारी बेनिफिट, अब सरकारी बेनिफिट इनके हाथ में, इनसे जो बात हुई वो हिसाब से मुझे लगा कि सरकारी बेनिफिट इनके जीवन में मिली हुई है, तो ये 2 बेनिफिट तो दिलाती है। और व्यक्ति अगर ये बेनिफिट न भी लेना चाहे तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते, भारी सफलता प्राप्त करते पॉलिटिक्स में भी इतने अच्छे ट्रायंगल में। और ये सफलता न भी चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये व्यक्ति को काफ़ी संपन्न बनाता है ये ट्रायंगल। सेकेंड चीज, यहाँ पर इनके बनने वाली ये साइन, ये जो फिश साइन है, ये व्यक्ति जन्म लेते ही अति संपन्न बनता है, यानी ऐसे लोगों का जैसे जन्म होता है वैसे अति संपन्नता आती है, और ये जीवन भर साथ देती है, जीवन भर जब तक है ये, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा। और ये साइन भी अगर व्यक्ति चाहे तो पॉलिटिकल में बहुत बड़ा माइलेज ले सकता है, बहुत बड़ा।
मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के हाथ में यहां पर सूर्य पर्वत पर फिश साइन देखी है, बड़े बड़े जो सालों से पॉलिटिक्स में हो, सरकारें आती है जाती है पर उनका दबदबा बना रहता है। तो ये जो चीज है ये इनके हाथ में है। हाँ, पर एक और सलाह देता हूं, ये साइन में पैसा खूब आता है, तो ऐसे लोगों को धर्म के काम में भी और सामाजिक कामों में, जैसे लोगों की हेल्प करना, गरीब लड़कियों के ब्याह या इस तरह के जो काम है, ये सेवा का कार्य इनको जीवन भर चालू रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इनको बहुत देता है। और बहुत देता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आभार मानकर वो पैसा सेवा के कार्य में भी, धर्म के काम में भी इनको लगाना चाहिए। ये मेरी तरफ से इनको सलाह है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।